Hello radiographers, I am also a radiographer. My name is Amir Sayyed and today we will learn that how to make CT temporal bone plane filming, and we will know the full detailed process of making film and the format. So let's start the filming procedure. Currently I am working on CT GE Revolution 32 slice machine, and first of all I want to tell you that I anonymize the patient scan to keep patient data or patient details secure or private. So let's start the filming procedure. तो आपको सबसे पहले patient का scan select करना है और उसमें आपको bone window select करना है, bone thin, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. Bone thin select करने के बाद में आपको इसे ray format में upload करना है. Ray format में डालने के बाद में आपको यहाँ पे थिकनेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी बाय डिफॉल्ट थिकनेस रहेगा आपको वही रखना है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है. आपको बस देखना है कि स्कैन सिमेट्रिकल है या नहीं है, बस आपको इतना सा देखना है. तो आप सिमेट्रिकल देखने के लिए ये बोन्स को आप देख सकते हैं, ये एक साथ में ज्वाइंट होना चाहिए. अगर ये हो रहा है प्रॉपर तो ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है. ये मुझे हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है तो मैं इसे ऑब्लिक में कन्वर्ट करूंगा, एक्सियल को ऑब्लिक पे लेके आऊंगा और यहां से मैं हल्का सा चेंज कर सकता हूं. ये होने के बाद में आपको फिल्मिंग प्रोसीजर स्टार्ट करना है. तो आपको सबसे पहले नीचे आना है, आपको स्कल के एरिया में कोई भी स्कैन करते हैं तो आपको स्लाइस कटिंग फीट टू हेड करना है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. तो ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक होल्स, ये पोर्स है, जो ये ईयर ऑसिकल्स हैं, ये टेम्पोरल बोन है. तो हमको ये पूरा कवर करना है, आपको इस पे ध्यान देना है, ये जितने भी पोर्स आपको शो हो रहे हैं इसे कवर करना है. आपको नीचे की तरफ आना है और इस पे आपको फोकस रखना है. तो जैसे ही ये एंड होने वाला है, अभी इसके नीचे में आऊंगा तो ये एंड हो जाएगा, ये इमेज कुछ यूज करनी है. तो जहां पे ये पोर्स दिख रहे हैं इसके हल्का सा नीचे आना है और यहां से आपको स्टार्ट करना है. तो यहां पे क्लिक करना है, फिर बैच पे आना है, लूप पे आना है और इस इमेज पे क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और फिर ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ जाना है. और अभी भी हमें इसी पोर्स पे हमको फोकस रखना है, जैसे ही ये एंड होगा वैसे ही हमें स्टॉप करना है. ये अभी भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है पोर्स, ईयर ऑस्कल्स शो हो रहे हैं, ये अभी भी टेम्पोरल बोन का पार्ट है. तो जैसे ही ये एंड होगा, जैसे यहाँ एंड हो चुका है तो मैं यहाँ पे सेट एंड करूंगा और कीबोर्ड से आपको टाइप करना है 36. हमें 36 इमेज बनाना है. आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं जो आपने बनाया है वो बराबर बना है कि नहीं. तो ये मुझे बराबर लग रहा है तो क्लोज करना है और ओके करना है. अभी एक्चुअली इमेजेस सेव हो चुके हैं. अब आपको कॉर्नल देखना है, तो कॉर्नल में आपको पहले चेक करना है सिमेट्रिकल है या नहीं. तो कॉर्नल में आप सिमेट्रिकल देखने के लिए ऑर्बिटल एरिया पूरा कवर हुआ नहीं है, कॉज टेम्पोरल बोन में ये एरिया कवर करने की जरूरत नहीं होती. तो आप यहां देख के नहीं आप चेक कर सकते हैं ये बराबर सिमेट्रिकल है कि नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल एरिया रीजन कवर हुआ ही नहीं है. तो आपको यहाँ पे मैंडिबल बोन पे फोकस रखना है. मैंडिबल बोन पे देखना है आपको, ये एक साथ में ज्वाइंट होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर बॉडी दिखना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे हल्का सा मुझे डिफरेंस दिख रहा है तो मैं वो हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा. अब मुझे ये मैंडिबल बोन बराबर दिख रहा है, फिर ये जहां पे एंड हो रहा है उस तरह से देखना है. अब ये मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है तो आपको आगे की तरफ आना है, आगे की तरफ से स्टार्ट करना है, मीन्स ऊपर की तरफ जाना है. और ये जो पोर्स दिख रहे हैं आपको टेम्पोरल बोन के, इसको देखना है, इस पे फोकस रखना है, ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है. यहाँ पे अभी भी मुझे शो हो रहा है तो मैं और ऊपर की तरफ जाऊंगा और इससे आपको कवर करना है. यहाँ पे अभी भी हल्का एक पॉइंट दिख रहा है, मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए अभी भी आपको शो हो रहा है. तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली कम्प्लीटली कवर करना है. जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे अभी भी हल्का सा दिख रहा है, ये अभी भी दिख रहा है, अभी भी शो हो रहा है. तो इसे पूरा कवर करना है. ये अब कवर हो चुका है तो यहां से स्टार्ट करेंगे. पैन पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए सेट स्टार्ट और फिर नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है आपको. और ये जो पोर्स दिख रहे हैं ये ईयर ऑसिकल्स है, आपको इसी पे फोकस रखना है. तो ये अभी भी हल्का सा शो हो रहा है तो ये आपको पूरा कंप्लीटली कवर करना है.
और फिर सेट एंड करना है, और आपको यहाँ पे 24 इमेजेस बनाना है। आप इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं ये बराबर बना है या नहीं। क्लोज और ओके। मैं इसे सिंगल स्क्रीन इसलिए किया हूँ कि वो आपको जो पोर्स थे, एयर ऑब्स्टिकल्स थे, वो आपको क्लियरली शो हो। आप मल्टीपल विंडो में भी यहाँ से आप फ्रेम बना सकते हैं। मैंने 24 इमेजेस बना के यहाँ पे सेव कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसका काम अभी हो चुका है रिफॉर्मेट का। इसे एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में जो हमने 36 इमेज एक्सेल का बनाया था उसे मैनुअल फिल में डालना है, और मिनिमाइज करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। और फिर 24 इमेजेस जो हमने कोरोनल का बनाया था उसे मैनुअल फिल में डालना है। फिर फुल स्क्रीन करना है, फर्स्ट इमेज पे आना है, और हमें फिल्म फॉर्मेट रखना है 3x6। दूसरे फिल्म का भी 3x6 फॉर्मेट रखना है, 3x6। और फिर कोरोनल इमेज का 3x8 का फॉर्मेट रखना है। फिर हमें फर्स्ट इमेज पे आना है, कोई भी एक इमेज उसे सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल एनोटेशन को अनसिलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। और इसी पे फिर इसी इमेज पे राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पेज करना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एनोटेशन रिमूव कर रहा हूँ, जो आपको एनोटेशन यहाँ शो हो रहा था मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। तो आपको अप्लाई टू ऑल पेज पे क्लिक करना है। तो ये अभी आप देख सकते हैं तीनों पेज पे से एनोटेशन रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको फर्स्ट इमेज पे एडिटर में आके डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज इस तरह से एनोटेशन डालना है फर्स्ट और लास्ट इमेज पे, सारे फिल्म के फर्स्ट और लास्ट फिल्म पे इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है इस तरह से। और फिर डबल क्लिक कर लीजिए, कोई एक इमेज आपको सिलेक्ट करना है और उसे राइट माउस पे राइट साइड से आपको जूम करना है इस तरह से। आपको मैक्सिमम जूम रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कट ना हो। लाइक आपको यहाँ पे एक सूचर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको सूचर शो हो रहा होगा, ये टेम्पोरल बोन का एरिया है। तो आपको ये मिडल में रखना है, जो पोर्स आपको शो हो रहे हैं ये आपको मिडल में रखना है। तो ये कम्प्लीटली हमारा पहला फिल्म बन चुका है। इस पर हम एनोटेशन टाइप कर देंगे, एक्सियल टेम्पोरल बोन हमने यहाँ पे एनोटेशन डाल दिया। आप एडिटर में आके देख सकते हैं मैंने क्या टाइप किया है इस पे, एक्सियल टेम्पोरल बोन। फिर आपको सेकेंड फिल्म पे आना है। सेकेंड फिल्म पे आने के बाद भी आपको फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डालना है। तो आपको क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आना है, ऑल एनोटेशन को सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, क्लोज करना है। इसी तरह से लास्ट इमेज पे क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज इस तरह से। फिर डबल क्लिक करिए किसी एक इमेज पे, पूरा पेज सिलेक्ट होने के बाद में एक इमेज को पकड़ के जूम कर लीजिए और कर्सर पे क्लिक करके आप ये सब पे अप्लाई करना है। आपको इस तरह से जूम हो चुका और ये जो टेम्पोरल बोन का एरिया है, ये जो आपको पोर्स शो हो रहा है, ये जो ब्लैक एरिया है, आपको ये मिडिल में रखना है इस तरह से। और फिर आपको कोरोनल इमेज पे आना है, इस पे भी फर्स्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज। लास्ट इमेज राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज। फिर डबल क्लिक करना है पूरा पेज सिलेक्ट करने के बाद में, एक इमेज को पकड़ के आपको जूम करना है, जो भी आप जूम करते हैं, फिर कर्सर पे क्लिक करना है, वो जितना भी आपने इमेजेस सिलेक्ट किया वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। आपको इस एरिया पे फोकस रखना है, ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये पोर्स आपको शो हो रहे हैं, ये टेम्पोरल बोन का एरिया है। तो आप जैसे यहां देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है तो ये नॉर्मल है, और यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा है, पोर्स आपको शो नहीं हो रहे, तो ये पोर्स फिल हो चुका है, मीन्स ये प्रॉब्लम है। तो ये होने के बाद में आपको इस पे एनोटेशन डालना है, कोरोनल टेम्पोरल बोन, कोरोनल टेम्पोरल बोन। तो ये अब हमारा कंप्लीटली टेम्पोरल बोन प्लेन का फिल्म बन चुका है। आप यहां देख सकते हैं पहला फिल्म, दूसरा फिल्म और फिर तीसरा फिल्म। आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूं, आपको एक्सियल इमेजेस के एक्सियल बोन का 36 इमेज बनाना है और उसका फॉर्मेट रहेगा 3x6। कोरोनल इमेजेस के लिए आपको 24 इमेज बनाना है और उसका फॉर्मेट रहेगा 3x8। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वॉज द डिटेल प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिटी टेम्पोरल बोन प्लेन फिल्मिंग।
होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।